Hello and welcome to our YouTube channel Competition Community. I am Ajit Kumar, Faculty of English Language. Today it is our third lecture of Subject 1 Agreement. Before it, that is in our previous classes, we learnt some important rules and concepts of Subject 1 Agreement. तो इसके पहले के क्लासेस में हम लोगों ने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट और रूल्स को पढ़ा है, ठीक है. लाइक इन सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट लेक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पार्ट 1, वी लर्नड फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इट्स नंबर, इट्स टेंस, एंड देन अबाउट सब्जेक्ट, इट्स डेफिनेशन, प्लेस, ट्रिक टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, एंड इफ यू गेट अ लॉन्ग सेंटेंस लाइक अ सेंटेंस ऑफ 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, 5 lines and so on, then how to identify easily, smoothly subject in that given sentence. And then about object, its types, and then about complement, and then about the difference between object and complement. तो पिछले क्लास में, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेक्चर नंबर 1 में, हम लोगों ने वर्ब, उसके फॉर्म, एंड देन उसके नंबर और टेंस को पढ़ा. फिर हम लोगों ने सब्जेक्ट, उसके डेफिनेशन, वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ कहाँ आता है इसको हम लोगों ने पढ़ा. उसके बाद हम लोगों ने उसको, यानी कि सब्जेक्ट को पहचानने के कुछ ट्रिक्स को पढ़े. फिर हमने आपको बताया था कि यदि आपको एक बड़ा सा सेंटेंस मिलता है, जैसे कि एक सेंटेंस 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन या उससे भी बड़ा आपको दिखाई पड़े, तो उस प्रकार के बड़े सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को आसानी से कैसे पहचानेंगे, इसको हमने बताया था. उसके बाद हमने आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्रकार, कॉम्प्लीमेंट, एंड उसके बाद हमने आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच डिफरेंस को बताया था. एंड देन आफ्टर दैट इन आर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट लेक्चर नंबर 2, वी लर्न सम रूल्स ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट लाइक अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मेनी, मेनी प्लस ए एन, मोस्ट ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ. उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के कुछ रूल्स को पढ़ा था, जैसे अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मेनी, मेनी प्लस ए एन, मोस्ट ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ऐसे कुछ रूल्स को हम लोगों ने पढ़ा था. तो आज के क्लास को हम लोग इन रूल्स के आगे से पढ़ना शुरू करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग आर टूडेज लेक्चर, लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ लास्ट क्लास. सो इफ एनी वन ऑफ यू, सो इफ एनी वन ऑफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दोज लेक्चर्स, प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स. यदि आप में से किसी ने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, उसको जरूर आप फॉलो करें, सो दैट कि आप अपने आप को स्मूथ, ईजी फील करें इंग्लिश के सभी सेक्शन में, वेदर इट बिलोंग्स टू योर कम्पिटिटिव एग्जाम, योर रीडिंग सेक्शन, योर राइटिंग सेक्शन, क्योंकि आपके ACSE एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम भी होता है और डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है. तो चाहे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना हो, या आपके एग्जाम में राइटिंग का सेक्शन हो, या आप और कहीं से रीडिंग राइटिंग का कोई भी काम करते हो, उन सभी सेक्शंस में यदि आप अपने आप को स्मूथ फील करना चाहते हैं तो हमारे पहले के सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 को जरूर देखें, ठीक है. तो आइए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, और आज के क्लास में हम लोग आगे कुछ रूल्स पढ़ें. उसके पहले हम चाहते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका एक ब्रीफ ग्लिम्स हम लोग देखें, ठीक है. चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास का एक ग्लिम्स देखना शुरू करते हैं. देखिए, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था नाउन के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेकंड लेक्चर में, कि यदि किसी नाउन के तुरंत बाद, यदि किसी नाउन के तुरंत बाद उसका इन ए पोजीशन आए, तो ये जो इन ए पोजीशन होता है ये उस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता है, ये केवल आपको जानबूझकर इंटेंशनली कंफ्यूज करने के लिए दिया गया होता है, ठीक है. उसके बाद हमने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था, यदि किसी नाउन के बाद उसका कोई डिस्क्राइबिंग एलिमेंट गिवन हो, यदि किसी नाउन के तुरंत बाद उसका कोई डिस्क्राइबिंग एलिमेंट गिवन हो, तो ये डिस्क्राइबिंग एलिमेंट भी आपको जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया होता है, ताकि आप में से कुछ बच्चे वहाँ पे वर्ब के सेक्शन में जाके, दैट इज़ कि ग्रामर के लैंग्वेज में यदि हम लोग बात करें, तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के रूल्स में आप कहीं ना कहीं गलती करें, ठीक है. तो इनको ध्यान रखना है कि नाउन का जो इन ए पोजीशन होता है या नाउन का जो डिस्क्राइबिंग एलिमेंट होता है, वो कभी भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, और उस सेंटेंस का जिसमें इनका यूज़ किया गया होगा, उस सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो कभी भी इन ए पोजीशन या डिस्क्राइबिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंग
गाइड नहीं होगा, वर्ब हमेशा फॉलो करेगा, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट के पहले जो नाउन गिवन होगा, इन ए पोजिशन के पहले जो नाउन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी के रेफरेंस में हमने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। ये देखिए सेंटेंस, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये द ग्रेट क्या है, इन ए पोजिशन है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसका नाउन ये है जिसके लिए ये यूज किया गया है, तो हमारा सब्जेक्ट ये है। फिर भी हमने आपको बताया था कि यदि आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको यह ट्रिक बताया था, आप वर्ब के साथ अटैच कर दीजिए हु या व्हाट, लिविंग के लिए हु, नॉन लिविंग के लिए व्हाट, इसको अटैच कर दीजिए और आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा वही होता है आपका सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें हु वॉज अ ब्रेव वॉरियर, तो हु का आंसर क्या मिला हमें, अशोका, इसलिए अशोका क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, ठीक है। ये केवल जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन होता है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने फिर आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये राधा क्या है भाई, तो नाउन है, सब्जेक्ट है, और ये हु से लेके कृष्णा तक सारा का सारा क्या है, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है, और ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, इससे हमारा वर्ब गाइड नहीं होता, वर्ब गाइड होता इससे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यदि किसी सेंटेंस की बात हम लोग करें तो एक सिंपल सा रूल फॉलो होता है कि उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, और जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा वर्ब होता है, दैट इज़ कि लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से रूल को पढ़ना शुरू किया था, अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ के बाद आने वाला सब्जेक्ट कैसा होगा और उसके अकॉर्डिंग वो कैसे वर्ब को अपने साथ एग्री करवाएगा। दैट इज, हमने आपको पिछले क्लास में यह भी बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेक्शन में कहाँ कहाँ पे एरर आता है, यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों ही सेक्शन में लॉट ऑफ के केस में एरर पूछे जाते हैं। और फिर ये इसके कुछ एग्जांपल्स हमने आपको दिए थे। इसके बाद फिर हमने आपको मोस्ट ऑफ का रूल बताया था विथ एग्जाम्पल, और उसके बाद हम लोगों ने मेनी या मेनी के बाद ए एन, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को सीखा था। और इसके बाद हम लोगों ने लास्ट में चलते चलते सेकंड लेक्चर में, दैट इज सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के सेकंड लेक्चर में, हम लोगों ने अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ के रूल को समझा था। तो आज के इस क्लास की शुरुआत हम लोग यहीं से इसी रूल पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ करेंगे, क्योंकि इसके पहले के जितने रूल्स हम लोगों ने देखे उन सभी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया था, ठीक है। तो आज के क्लास की शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं, इस रूल को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अ नंबर ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मेनी, और मेनी का रूल हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, मेनी के बाद आने वाला सब कुछ कैसा होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। मेनी के बाद आने वाला सब कुछ कैसा होता है, प्लूरल होता है, दैट इज मेनी के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है सबका सब कैसा होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। लेकिन ये जो द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि अनकाउंटेबल हो तो वो रहेगा सिंगुलर, हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि अनकाउंटेबल हो तो वो रहेगा सिंगुलर और वर्ब मिलेगा सिंगुलर, किंतु द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि काउंटेबल हो तो वो हमेशा और हमेशा लिखा जाएगा प्लूरल, किंतु वर्ब हमेशा लेगा सिंगुलर। ये यहाँ पे थोड़ी सी विडंबना की बात है। अब यदि हम लोग वर्ब के पर्सपेक्टिव से बात करें अ नंबर द नंबर के केस में, तो अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला वर्ब हमेशा और हमेशा रहेगा प्लूरल, किंतु द नंबर ऑफ के बाद आने वाला वर्ब हमेशा और हमेशा रहेगा सिंगुलर, ठीक है। तो आइए अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग, और इन रूल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हुए आज के क्लास की यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्व किया था। ये देखिए मेनी मेनी ए एन। तो अब आज के क्लास के शुरुआत सबसे पहले यहीं से, तो आप सब उससे रिक्वेस्ट कि इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके इनको जल्दी से एक बार खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर हम दोनों साथ साथ इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि अब तक आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको बनाने का खुद से प्रयास एक बार जरूर किया होगा। अब आइए हम आपको सिखाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए किन बातों का ध्यान रखते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ विशेष मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं होती है। अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ, सिंपली सबसे पहले सेंटेंस में आप इसको आइडेंटिफाई करें।
मतलब ये कि यदि सेंटेंस के बिगिनिंग में अ नंबर द नंबर दिखता है तो कोई बात नहीं है, ये अ नंबर या द नंबर सेंटेंस के मिडिल में भी आ सकता है, एंडिंग प्लेस के पहले कहीं भी ये आपको अपीयर हो सकता है, दिखाई पड़ सकता है। तो आपका सबसे पहला काम होता है कि आपको जो क्वेश्चन गिवेन होता है उसमें आप देखें कि अ नंबर या द नंबर कौन सा दिख रहा है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ। तो हमने आपको क्या बताया, द नंबर ऑफ के बाद यदि कोई नाउन आए और वो काउंटेबल हो तो रहेगा प्लूरल। ये देखिए वोट्स काउंटेबल है, ये है प्लूरल, ये पार्ट करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए वर्ब। क्या चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे हमें चाहिए वर्ब। तो चूंकि यहाँ द नंबर ऑफ का यूज़ किया गया है, द नंबर ऑफ के साथ आने वाला वर्ब कैसा होता है, हमेशा और हमेशा सिंगुलर। तो देखिए ये आर कैंसिल हो गया, ये वर्ब कैंसिल हो गया। अब हम टेंस चेक करेंगे, यदि पास्ट के रेफरेंस से बात होगी तो वॉज होगा, प्रेजेंट के रेफरेंस से बात होगी तो इज होगा। क्लियर। अब सेंटेंस जरा देखें, यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट ईयर, यानी बीते हुए समय के बारे में हमें बताया जा रहा है, यानी कि रेफरेंस किसका मिल रहा है, पास्ट का। तो पास्ट का रेफरेंस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे वॉज का। अब इस यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, चलिए इस बार ग्रीन करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है हमें अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, इसके बाद आने वाला सब कुछ रहता है हमेशा और हमेशा प्लूरल। तो यहाँ देखिए हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स, ये देखिए ये मिल गया प्लूरल, नाउन का सेक्शन करेक्ट हो गया। और अ नंबर ऑफ के केस में वर्ब हमेशा और हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। अब यहाँ पे आप देखिए वर्ब कैसा दिख रहा है, सिंगुलर। तो हम इसको क्या करेंगे, हैज को कन्वर्ट कर देंगे हैव में, हैज को किस में कन्वर्ट करेंगे, हैव में, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे निकले, पहले बोर्ड को क्लीन कर लें और फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, देखते हैं क्या कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास अ नंबर द नंबर का। चलिए यहाँ पे दो और क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं, तो फटाफट इनका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से एक बार इनको सॉल्व करने का प्रयास करें। तो आइए अब साथ में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं यहीं पे। और फिर से इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, द नंबर ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, द नंबर ऑफ। अब देखिए दोनों ही क्वेश्चन में हमें द नंबर ऑफ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ के केस में वर्ब कैसा होगा, हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगा। अब ये देखिए हैव, ये फेसिंग, तो सबसे पहले ये वर्ब नहीं होगा, या तो वॉज होगा या तो हैज होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब ये देखिए हैज हैव के साथ यहाँ फेस में ing लगा हुआ हैज हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है जिसमें ed लगा होता है जनरली। तो ये सेंटेंस का फॉर्मेट ही गलत हो जाएगा इसके माध्यम से, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया। और चूंकि यहाँ पे जो गिवेन सेक्शन था वो पहले से रहोगे इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। बोर्ड को क्लीन करते हैं, चलते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी हमें क्या दिख रहा था, द नंबर ऑफ, और यहाँ फिर से देखिए हैव लगा हुआ है, तो हैव की जगह क्या करना चाहिए, हैज। यदि हैज बिन इंक्रीजिंग ऑप्शन में हो तो हमारा आंसर हो सकता है ये रहा ऑप्शन नंबर बी, हैज बिन इंक्रीजिंग। ये देखिए बिन जो था वही है, इंक्रीजिंग जो था जैसा था वैसा ही है। हमने क्या किया, तो हमें सिर्फ यहाँ पे वर्कआउट करना था इस हैव की जगह, तो हैव की जगह हमें क्या लिखना था, हैज, और वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अ नंबर द नंबर ऑफ के कॉन्सेप्ट को सीखा। अब आइए देखते हैं कि इनके अलावा और कौन से रूल थे। तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है द प्लस एडजेक्टिव, आइए इसको हम लोग समझना शुरू करते हैं। अब हम आपको समझाना शुरू करते हैं द प्लस एडजेक्टिव। देखिए ये जो द प्लस एडजेक्टिव गिवन है, इस द प्लस एडजेक्टिव से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस तरीके से एरर आपके एग्जाम में दिखाई पड़ते हैं और आप उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए इन सभी चीज़ों पे, सभी बातों पे हम लोग यहाँ पे फटाफट चर्चा शुरू करते हैं। तो पेन का कलर थोड़ा सा चेंज किया जाए और हम यहाँ पे आपको समझाना शुरू करें। सबसे पहले देखिए ये पुअर, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अमंग यू, रिच, ये जो अमीर है गरीब है, ऐसे एग्जाम्पल से आप बचपन से भली भांति वाकिफ हैं, इसीलिए हम ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करके आपको ये रूल समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनका रूल क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनके साथ यदि आर्टिकल द का यूज कर लिया जाए, जैसे हम लोग द प्लस पुअर का यूज करें, द प्लस रिच का यूज करें, द प्लस रिच का यूज करें, द प्लस सिक का यूज करें, द
ब्लैक का यूज करें, द प्लस ब्लैक, द प्लस व्हाइट, द प्लस व्हाइट। अब ये सारे कॉमन चीजें जिससे आप बचपन से भलीभांति वाकिफ हैं। अब इसमें समझना ये है कि इनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, और इनको यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो पेज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और अब यहाँ से हम लोग समझना शुरू करते हैं। देखिए ये एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसको, द पुअर का। तो मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ये दिया हुआ है द पुअर, तो यदि आपको यहाँ पे द पुअर दिखाई पड़ता है, यानी कि आपको दिखाई क्या पड़ रहा है, द प्लस एडजेक्टिव, क्या दिखाई दे रहा है, द प्लस एडजेक्टिव। तो इस टाइप का यदि आपके एग्जाम में कहीं क्वेश्चन दिखाई पड़े तो इनका कॉन्सेप्ट ये है कि इनको माना जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या माना जाता है इसको, इसको माना जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। और तब इनके बाद यहाँ जो वर्ब यूज किया जाता है, ये वर्ब लिखा जाता है प्लूरल। कैसा लिखा जाता है, प्लूरल। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट था इन द प्लस एडजेक्टिव पे बेस्ड। इनका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग सीखें। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है कि सामान्य तौर पे द प्लस एडजेक्टिव के बाद, द प्लस एडजेक्टिव के बाद सामान्य तौर पे इस एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे कोई भी नाउन आपको दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु यदि नाउन आपको दिखाई पड़े तो क्या करें। तो यदि अब यहाँ पे आपको कोई नाउन दिखाई पड़े तो इसके बाद आने वाला ये जो वर्ब है उसका क्या होगा। ये दो बातें आपके मन में क्रिएट होगी, दो डाउट आपके मन में क्रिएट होगा। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये यदि प्लूरल हो, कैसा हो, प्लूरल हो, तो ये वर्ब भी रहेगा प्लूरल। कैसा रहेगा, प्लूरल। ठीक है, अब इसी के साथ इसका तीसरा कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ है, वो क्या है भाई, यदि द प्लस एडजेक्टिव के बाद, द प्लस एडजेक्टिव के बाद सामान्य तौर पे तो कोई नाउन नहीं आता, लेकिन अब मान लीजिए कि यहाँ पे नाउन यूज कर लिया जाए, और इन रूल्स पे बेस्ड, इन तीनों ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके CHSL में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको जानना समझना जरूरी है। अब यहाँ आने वाला नाउन यदि सिंगुलर हो, कैसा हो, यहाँ आने वाला नाउन यदि सिंगुलर हो तो इसके बाद यहाँ आने वाला वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से विडंबना, किस तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है हम लोगों के बीच में, चूँकि हम लोग इस रूल को बचपन से जानते हैं, द प्लस एडजेक्टिव को मानते हैं प्लूरल, वर्ब देते हैं प्लूरल, और सामान्य तौर पे द प्लस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे भी, दैट इज इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई पड़ते हैं, और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई पड़ते हैं। इनका सीधा सा फंडा है कि यदि द प्लस एडजेक्टिव अकेला आए, विदाउट नाउन आए, द प्लस एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज नहीं किया गया हो, तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा रखेंगे प्लूरल। द प्लस एडजेक्टिव के बाद यदि कोई नाउन दिखाई दे तो हम उस नाउन को चेक करेंगे, वो नाउन यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब लेगा सिंगुलर, वो नाउन यदि प्लूरल होगा तो वर्ब लेगा प्लूरल। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंस पे बेस्ड, ताकि आप इनको आसानी से समझ सकें। जैसे ये एग्जाम्पल, द पुअर आर काइंड, द पुअर आर काइंड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द पुअर मैन इज काइंड। और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द पुअर मैन आर काइंड। अब इनको जरा आप ठीक से देखिए और समझिए क्या है इनका कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, तीनों में द प्लस एडजेक्टिव का यूज किया गया है। अब आप फिर से देखिए यहाँ पे, इसमें द प्लस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है, सिंपली केवल वर्ब का यूज किया गया, तो ये वर्ब कैसा है भाई, ये वर्ब है प्लूरल, दैट इज ये पार्ट करेक्ट। ठीक है, अब सेकंड वाले में देखिए, द प्लस एडजेक्टिव के बाद नाउन आ गया, थर्ड वाले में द प्लस एडजेक्टिव के बाद नाउन आ गया, तो सेकंड में जो द प्लस एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है, ये नाउन कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए ये वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। ट्यूनिंग इनकी सही है, ये नाउन भी सिंगुलर है और ये वर्ब भी सिंगुलर है, ये सेंटेंस हो गया हमारा करेक्ट। थर्ड वाले में जरा हम लोग देखें, थर्ड वाले में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे द प्लस एडजेक्टिव के बाद ये जो नाउन आ रहा है, ये नाउन कैसा है, तो ये नाउन है प्लूरल। इसीलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो वर्ब यूज किया गया, ये वर्ब भी कैसा है, प्लूरल है। तो
तो इन दोनों के ट्यूनिंग भी सही है, इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से इस रूल पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई पड़ते हैं। अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना था एनी या वन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट। देखिए अगला रूल नंबर 6 क्या था हमारा, एनी या वन के बाद ऑफ आए, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, या वन के पहले अगर ओनली का यूज कर लिया जाए तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए हम लोग इनको भी समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले एनी का मीनिंग क्या होता है भाई, तो एनी का मीनिंग हम सब लोग जानते हैं कोई। वन का मीनिंग भी होता है कोई, जब उसका प्रयोग, जब वन का प्रयोग किसी अननोन के लिए किया जाता है, अननोन के रेफरेंस में किया जाता है, तो उसका मीनिंग होता है कोई। अब हमें वो कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं है, अभी हम लोगों को पढ़ना है वन पे बेस्ट, कि ये जो वन है वन के साथ यदि ऑफ आए तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सी बात है कि यदि एनी या वन का यूज किया जाए, एनी या वन, इन दोनों में से किसी एक का यूज आपको दिखाई दे, थोड़ा सा इसको क्लियर करके और अच्छे से लिखते चले हम। एनी या वन का यूज आपको कहीं भी सेंटेंस में दिखाई दे, चाहे ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आए या सेंटेंस के मिडिल में आए, एंडिंग के पहले कहीं भी आए, ठीक है, या एंडिंग से दो चार वर्ड पहले भी आए, तो भी ये रूल हर जगह अप्लाई होगा। क्या रूल है इनका, एनी या वन के बाद यदि ऑफ आए, अब इस ऑफ के बाद यहाँ जो नाउन यूज किया जाएगा या प्रोनाउन यूज किया जाएगा, यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, तो यहाँ पे जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा ये हमेशा और हमेशा लिखा जाएगा प्लूरल। कैसा लिखा जाएगा, प्लूरल लिखा जाएगा, किंतु इनके बाद यहाँ जो वर्ब आएगा वो वर्ब हमेशा और हमेशा कैसा होगा, तो वो होगा सिंगुलर। कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, सर इसका यूज करते कब हैं और कैसे हैं, इसको सीखिए हम लोग। जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम हम सबों ने सुना है, तो हम लोग उनके बारे में कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन में से, सबसे अच्छे क्रिकेटरों में से एक है, कह सकते हैं हम लोग। ऐसे ही सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए इस स्ट्रक्चर का, इस फॉर्मेट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था। अब इसी का कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग सीख ले, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, और इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट सीखें, कुछ और रूल्स को हम लोग सीख लें। तो देखिए हमारा अगला रूल क्या था, ये पहला रूल था, अब दूसरा रूल। दूसरा रूल है कि एनी या वन आए, इसके बाद यदि आपको यहाँ पे ऑफ दिखाई दे, अब इस ऑफ के बाद एन फॉर नाउन एंड पी आर ओ फॉर प्रोनाउन, हम यहाँ नाउन को एन से इंडिकेट कर रहे हैं, प्रोनाउन को पी आर ओ से इंडिकेट कर रहे हैं। फिर से इसको समझे, एनी या वन के बाद यदि ऑफ आए, ऑफ के बाद यहाँ जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाएगा, तो ये कैसा रहेगा, ये हमेशा और हमेशा रहेगा प्लूरल। इस बात को आप आसानी से समझ चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन अब इसके बाद यहाँ पे आपको हु विच या दैट, इन तीनों में से कोई भी एक दिखाई दे, क्या हु विच या दैट, इन तीनों में से कोई भी दिखाई दे, तो अब इनके बाद यहाँ जो वर्ब यूज किया जाएगा ये वर्ब एग्री करेगा इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो ये नाउन या प्रोनाउन कैसा होता है, ये हमेशा रहेगा प्लूरल, इसलिए ये वर्ब भी हो जाएगा और हमेशा के लिए प्लूरल। इसको फिर से समझिए, यदि एनी या वन के बाद कोई नाउन आए, तो ये नाउन या प्रोनाउन हमेशा और हमेशा कैसा होता है, ये हमेशा और हमेशा होता है प्लूरल। इस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आपको यहाँ पे जनरली हु विच या दैट, इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हु विच या दैट आपको दिखाई दे तो ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन, अभी फिलहाल आपको इससे मतलब नहीं है। इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यहाँ जो वर्ब यूज किया जाता है, यानी कि हु विच दैट के बाद जो नाउन वर्ब यूज किया जाएगा, ये वर्ब हमेशा और हमेशा एग्री करता है हु विच दैट के ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चूंकि ये होता है प्लूरल, इसलिए इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब भी हमेशा और हमेशा होगा प्लूरल, ठीक है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। अब हम लेकर चलते हैं आपको तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, और फिर तीनों का एक एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तीसरा कॉन्सेप्ट है ओनली वन आपको दिखाई दे, ओनली वन, तो अभी जो हम लोग वन ऑफ पढ़ रहे थे ये वही रहेगा, देखिए वन ऑफ आ गया, लेकिन इस वन के पहले क्या लगा हुआ है, ओनली लगा हुआ है। तो यदि वन ऑफ के बाद यहाँ कोई नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाए तो ये तो हमेशा और हमेशा रहेगा प्लूरल। अब इसके बाद यहाँ पे हु विच
हु विच या दैट का यूज किया जाए, इन तीनों में से किसी का यूज किया जाए, इससे कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ जो वर्ब यूज किया जाएगा, ये वर्ब हमेशा और हमेशा कैसा होगा, तो ये वर्ब हमेशा और हमेशा के लिए हो जाएगा सिंगुलर। देखिए रूल नंबर टू, ये जो एनी और वन का रूल हम लोग पढ़ रहे थे, इसका जो रूल नंबर टू अभी अभी हमने आपको पढ़ाया पिछले स्लाइड में, उसमें और इसमें देखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। वहाँ भी वन ऑफ था, ये हु विच दैट वहाँ भी आ रहा था, यहाँ भी है, लेकिन ये वर्ब पिछले वाले में दैट इज रूल नंबर टू में प्लूरल था, यहाँ पे हो गया सिंगुलर। ये बात समझ में आ रही है, इसको ठीक से समझें आप। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली के कारण हो रहा है। केवल और केवल ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो ये केवल और केवल इस ओनली के उपस्थिति के कारण हो रहा है, ठीक है। तो यदि ओनली वन आपको सेंटेंस में कहीं भी दिखाई पड़े, तो अब उसके बाद आने वाला वर्ब सभी और सभी परिस्थितियों में लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर, ठीक है। बात समझ में आ गई। आइए अब इन सभी रूल्स का, दैट इज इन तीनों ही रूल्स का हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के हम लोग फटाफट अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। टोबैको, या चलिए टोबैको को थोड़ा चेंज करें, वन ऑफ, इसको सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, वाइडली स्प्रेड बैड, widely spread bad habit in India is the use of tobacco। आइए इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले एरर को फाइंड करना सीखें, इसमें कहाँ कहाँ एरर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग सीखेंगे कि इसमें एरर कहाँ कहाँ पूछा जाता है। आइए लास्ट पेज से ही हम लोग इसको सीखना शुरू करते हैं, रूल के माध्यम से ही हम लोग इसको सीखना शुरू करते हैं। इस एनी या वन से लेकर इस ऑफ तक के सेक्शन में यहाँ पे कोई एरर नहीं पूछा जाता, यहाँ पे कोई एरर नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब एरर कहाँ पूछा जाएगा इसकी चर्चा हम लोग करें। तो देखिए जहाँ पे एरर पूछा जाएगा उसको हम ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहे हैं। इस नाउन या प्रोनाउन के सेक्शन में एरर आएगा, इसके सेक्शन में एरर आएगा, और इस वर्ब के सेक्शन में एरर रहेगा, इस वर्ब के सेक्शन में एरर रहेगा। दैट इज एनी या वन के बाद यदि ऑफ आए, तो ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसमें एरर पूछा जाता है, और उसके बाद जो वर्ब यूज किया जाता है उसमें एरर पूछा जाता है। दैट इज एनी या वन के सेक्शन में सिर्फ दो जगहों पर एरर आता है, इस नाउन या प्रोनाउन वाले सेक्शन में और इस वर्ब वाले सेक्शन में। और ठीक इसी प्रकार से यदि हमें ओनली वन ऑफ दिखाई दे, तो ओनली वन ऑफ तक के पार्ट में कहीं कोई एरर नहीं पूछा जाता, एरर इस सेक्शन में पूछा जाता है और एरर इस सेक्शन में, दैट इज यहाँ भी नाउन और वर्ब वाले सेक्शन में ही एरर संभव है, उनके अलावा और किसी सेक्शन में एरर संभव नहीं है, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक की हो गई। अब आइए हम लोग यहाँ से सीखना शुरू करते हैं कि इस गिवन क्वेश्चन में कहाँ पर एरर है। ये देखिए सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया, वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद हमें क्या ढूंढना है, नाउन, ये नाउन है नहीं, नाउन है नहीं है, नाउन है नहीं है, ये नाउन है नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो ये हैबिट क्या हो गया, नाउन हो गया। अब चूंकि ये नाउन हो गया, तो इस नाउन को कैसा होना चाहिए था, इस नाउन को होना चाहिए था प्लूरल, और लिखा कैसा है, सिंगुलर। तो हम लोग क्या करें, इसमें इस लगा दें, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हैबिट्स। अब ये जो वर्ब है, इस वर्ब को कैसा होना चाहिए था, सिंगुलर, और वर्ब है कैसा, सिंगुलर, तो वर्ब का पार्ट करेक्ट। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि एनी या वन के साथ यदि ऑफ आए, तो दो ही सेक्शन में एरर पूछा जाता है, उसके बाद आने वाले नाउन में और वर्ब में, और दोनों सेक्शन यदि सही हो तो सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन वाले, दैट इज एनी या वन के रूल नंबर टू और रूल नंबर थ्री का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग फटाफट। ही इज वन ऑफ द बॉयज, ही इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज गॉन थ्रू
थ्रू द स्कूल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। Only one of the boys who have done it is my dear friend Mohan। अब इन दोनों ही आसान से सेंटेंसेस में और इनके माध्यम से हम लोग इन दोनों ही क्वेश्चन में एरर के सेक्शन को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ऊपर वाले में, ये देखें क्या मिला, वन ऑफ। यहाँ क्या मिला, ओनली वन ऑफ। तो ओनली वन ऑफ जैसे ही देखा, हमें काम कहाँ करना है, नाउन के सेक्शन में और वर्ब के सेक्शन में। अभी देखें नाउन का सेक्शन तो हमेशा और हमेशा रहेगा प्लूरल, ये पार्ट करेक्ट हो गया। ये जो वर्ब का सेक्शन था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली वन, वर्ब का सेक्शन कैसा लिखा जाना चाहिए, तो ये लिखा जाना चाहिए सिंगुलर। यहाँ दिया क्या है वर्ब, तो हम लोग इसको क्या कर दें, सिंगुलर बना दें। ठीक है, हैज डन। ऊपर वाले क्वेश्चन में चलते हैं, ये देखिए वन ऑफ के बाद हमें क्या क्या ढूंढना था, ये नाउन और ये वर्ब। अब ये देखिए ये जो नाउन है ये कैसा है, प्लूरल, तो ये पार्ट तो करेक्ट हो गया। अब ये वर्ब कैसा होना चाहिए था, इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हु का यूज़ किया गया है। तो हमने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि एनी या वन के बाद यदि कोई नाउन है, उस नाउन के बाद हु विच दैट, इन तीनों में से कोई भी आए, तो उस हु विच दैट के तुरंत बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब हु विच दैट के तुरंत पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होता है। तो चूंकि ये बॉयज है प्लूरल, इसलिए यहाँ वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल। तो हैव की जगह हमें क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा हैज, सॉरी हैव। हैज की जगह हम लोगों को क्या लिखना होगा, हैव लिखना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं स्लाइड की तरफ, और स्लाइड में इन सारे रूल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए फटाफट इस पेज में हम लोग देखें, और इस पेज में जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबों का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेके इनको खुद से सॉल्व करने का एक बार प्रयास करें, फिर हम लोग साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि अब तक आपने इन सबों को एक बार खुद से सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। अब आइए हम लोग साथ साथ इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले यहाँ से, यहाँ क्या दिखाई दिया, वन ऑफ। क्या ढूंढना है, नाउन, नाउन करेक्ट हो गया। अब आगे क्या ढूंढे, वर्ब। वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, तो वर्ब की जगह क्या करेंगे, वॉज। क्लियर, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखें, ये देखिए वन ऑफ, वन ऑफ के बाद क्या ढूंढना है, नाउन, ये रहा नाउन, नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, करेक्ट है। वर्ब, ये वर्ब मिला, वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, तो क्या करें, आर की जगह इज, आर की जगह इज। क्लियर, बोर्ड को थोड़ा क्लीन करें हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। और अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ देखिए नॉट वन, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए वन ऑफ के पहले यहाँ नॉट का यूज कर दिया गया, इस नॉट से हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो वन ऑफ के बाद हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स, ये देखिए नाउन मिला, हमें चाहिए था नाउन, और नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, ये पार्ट करेक्ट है। अब ये वर्ब, वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, तो वर्ब की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग, वॉज का। और यही काम करते हैं हम लोग एनी के साथ, ये देखिए एनी ऑफ, एनी ऑफ के बाद ये देखिए रेंचेज, ये है प्लूरल, पार्ट करेक्ट हो गया। अब हमें चाहिए वर्ब, वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर, तो रिक्वायरमेंट्स लगा दे, हो जाएगा सिंगुलर। क्योंकि ये हमने आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के लेक्चर नंबर 1 में जहाँ पे हमने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ाया था, वहीं पे हम आपको इसके बारे में बताए थे कि वर्ब के लास्ट में एसीएस लगा के हम लोग उसको बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सिंगुलर। वर्ब के लास्ट में एसीएस लगा के वर्ब को बनाया जाता है सिंगुलर, नाउन के लास्ट में एसीएस लगाकर उसको बनाया जाता है प्लूरल। ठीक है, ओनली वन का कोई एग्जाम्पल है क्या, नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल। चलिए द प्लस एडजेक्टिव पे बेस्ड यहाँ कुछ क्वेश्चन हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी एक बार हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग फिस्कल पॉलिसी, ये देखिए द पुअर, द प्लस एडजेक्टिव मिला और यहाँ पे विल लग गया, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आता है उस मेन वर्ब का फॉर्म होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने से कोई एतराज़ नहीं होता है,
उनका प्रयोग दैट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी समान रूप से किया जाता है। ठीक है, तो इस पार्ट में दैट इज क्वेश्चन नंबर वन में हमारा कोई एरर नहीं बनेगा, हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो एरर। ठीक है, तो बोर्ड को क्लीन करते हैं और हम लेके चलते हैं आपको थोड़ा सा नीचे, बोर्ड को पहले क्लीन किया जाए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ये देखिए द वीक, द प्लस एडजेक्टिव, देखिए वर्ब आना चाहिए प्लूरल, वर्ब गिवन है प्लूरल, आगे और कोई वर्ब है इसके लिए आगे और कोई वर्ब यूज नहीं किया गया है, तो ये आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले में चलिए हम लोग, ये देखिए द वाइट मैन, द वाइट के बाद द प्लस एडजेक्टिव के बाद देखिए यहाँ पे आ गया नाउन, और ये नाउन कैसा है प्लूरल, तो वर्ब कैसा लेगा प्लूरल, तो हैज की जगह हमें क्या लिखना होगा, हैज की जगह हम लोग लिखेंगे हैव। क्लियर। नेक्स्ट द पुअर मैन, ये देखिए द प्लस एडजेक्टिव के बाद ये क्या आ गया सिंगुलर नाउन आ गया, अब सिंगुलर नाउन आ गया तो वर्ब कैसा लेगा सिंगुलर लेगा, इसलिए आर की जगह हम क्या लिखेंगे, आर की जगह लिखेंगे हम इज। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, अब यहाँ तक के कॉन्सेप्ट हो गए, अब यहाँ के बाद हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट को सीखना शुरू करें। अब आते हम लोग यहाँ पे, ये रूल क्या है, तो सबसे पहले कि नन या नो वन का यूज एक दूसरे के जगह किया जा सकता है, नन और नो वन दोनों एक ही प्रकार का वर्ड है, दोनों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर हम लोग कर सकते हैं। अब नन या नो वन का यूज कब किया जाता है, दो से ज्यादा में से कोई नहीं का सेंस एक्सप्रेस करना हो तो ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं नन या नो वन। ठीक है, ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं नन या नो वन। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट बचा है हमारा, ये नन बट। अब यहां से कई कंफ्यूजन आपके बीच क्रिएट होंगे, तो अब लेकर चलते हैं हम आपको इस कंफ्यूजन वाले पेज के लिए, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले कि ये जो नो वन था या नन था, नो वन या नन, इन दोनों के बाद यहाँ जो वर्ब आता है ये वर्ब हमेशा और हमेशा लिखा जाएगा सिंगुलर, इस बात को आप ठीक से समझते चलिए। इसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि ये जो नन है या नो वन है, ये जो नन या नो वन है, नन हो या नो वन हो, इसके बाद यदि यहाँ ऑफ आ जाए तो अब इस ऑफ के बाद यदि यहाँ नाउन आए या प्रोनाउन आए और इसके बाद यहाँ वर्ब आए तो ये जो वर्ब होगा इसी नाउन के अकॉर्डिंग होगा, दैट इज ये नाउन यदि प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी होगा प्लूरल, और ये नाउन यदि सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी होगा सिंगुलर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये वर्ब कैसा होगा तो ये वर्ब लिखा जाएगा सिंगुलर। ठीक है, लेकिन नन बट के केस में क्या करें, नन बट का केस भी यही है, नन बट, नन बट के बाद इधर कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है तो नन बट के बाद यहाँ आने वाला जो सब्जेक्ट होगा दैट इज ये जो नाउन होगा इसी के अकॉर्डिंग यहाँ आने वाला वर्ब होगा, तो ये नाउन जैसा रहेगा ये वर्ब भी वैसा ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ये नाउन यदि प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी रहेगा प्लूरल, और ये नाउन यदि सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी रहेगा सिंगुलर। ये बातें समझ में आ रही है, अब इनका कुछ कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पेज में और इनका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल क्या है, नन, नन ऑफ अस, नन ऑफ अस हैव डन दिस वॉक। ठीक है, इस क्वेश्चन में जरा देखिए यहाँ पे नन ऑफ दिखाई दिया, नन ऑफ के बाद ये अस, अस क्या है भाई, वी का ऑब्जेक्टिव केस है और जो वी होता है डब्ल्यू ई वी जो होता है उसको हम लोग मानते हैं प्लूरल, इसलिए उसके साथ वो अब यूज करते हैं प्लूरल, चूंकि ये वी का पार्ट है तो ये हो गया प्लूरल, अब ये हो गया प्लूरल तो ये वर्ब लेगा प्लूरल, दोनों की ट्यूनिंग सही है इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट नन बट का एग्जाम्पल ले लें हम लोग, नन बट, तो पेन का कलर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, नन बट नन बट माई फ्रेंड्स हैज
हैज़ हेल्प्ड मी इन डिस्ट्रेस। अब इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखिए, इस एग्जाम्पल में जरा आप ध्यान से देखिए, ये नन बट आपको यहाँ दिखाई दिया, नन बट के बाद ये आपको यहाँ पे नाउन दिखाई दिया, ये नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो ये नाउन जैसा रहता है वैसा ही वर्ब लेता है। यदि यहाँ पे फ्रेंड होता तो हैज सही होता, लेकिन फ्रेंड में एस एस लगा हुआ है, फ्रेंड यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए ये जो हैज़ है इसको हमें क्या बनाना होगा, तो इसे हमें बनाना होगा हैव। क्या बनाना होगा, हैज़ को बनाना होगा हैव। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक था हमारा नन, नो वन या नन बट पे बेस्ड कॉन्सेप्ट और इनके एक एक एग्जाम्पल। अब चलते हम लोग फिर से स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगला रूल हमारा क्या था। तो अगला रूल है नथिंग बट का। नथिंग बट का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। नथिंग बट का मतलब यदि हम लोग समझना चाहें तो नथिंग बट के बाद कोई भी सब्जेक्ट आए, चाहे वो सब्जेक्ट काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, बट द वर्ब विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंगुलर। नथिंग बट के बाद आने वाला सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो, वो काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा, लेकिन वर्ब सभी परिस्थितियों में लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर। ठीक है, तो आइए इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और बोर्ड के अगले पेज में चलते हैं। नथिंग बट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। नथिंग बट माई फ्रेंड हैज डन इट, एक हो गया। दूसरा, नथिंग बट वॉटर इज देयर, नथिंग बट वॉटर इज देयर, नथिंग बट वॉटर इज देयर। अब जरा यहाँ आप ध्यान से देखिए इसमें हो क्या रहा है और हम लोगों को करना क्या चाहिए। सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, नथिंग बट। तो नथिंग बट के बाद हम चेक करेंगे कि आने वाला ये जो नाउन है ये कैसा है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सबसे पहले चेक करें काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल होगा तो रहेगा प्लूरल, जैसे ये फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, काउंटेबल है, तो इसको कैसा होना चाहिए, प्लूरल। लिखा कैसा है, सिंगुलर, तो इसमें क्या करें, एस लगा दें। बट द वर्ब विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंगुलर। तो देखिए यहाँ फ्रेंड में एस लग गया, फ्रेंड हो गया प्लूरल, फिर भी वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, दैट इज वर्ब हैज ही रहेगा। यहाँ पे हैव का यूज हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट अगले में चले हम लोग। नथिंग बट वाटर, वाटर क्या अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है, इसलिए हमेशा होता है सिंगुलर, वर्ब मिलेगा हमेशा सिंगुलर। और ऐसे भी चूंकि यहाँ नथिंग बट का यूज़ किया गया है, चूंकि ये नथिंग बट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नथिंग बट के प्रेजेंस होने के कारण ये क्या रहेगा, वर्ब हमेशा और हमेशा सिंगुलर, तो वर्ब यहाँ पे गिवन भी है सिंगुलर, तो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा कैसा है, करेक्ट। ठीक है, फिर से चलते हैं स्लाइड की तरफ और अगला रूल हम लोग समझने का प्रयास करें। देखिए हमारा अगला रूल क्या है, नेम ऑफ स्टेट्स, बुक्स, मूवीज, इसको थोड़ा ठीक से समझिए। किसी भी देश का, स्थान का, राज्य का, आइलैंड का, द्वीप का जो नाम है उसके एंड में, उसके आखिर में एस ई एस लगा हो या नहीं लगा हो। ठीक है, तो कुछ जगहों के नाम के लास्ट में एस ई एस लगा होता है, चाहे वो देश हो चाहे वो कोई आइलैंड हो। जैसे अपने इंडिया में अंडमान्स एंड निकोबार्स, देखिए अंडमान के लास्ट में भी एस ई एस लगा हुआ है, निकोबार के लास्ट में भी एस ई एस लगा हुआ है, दोनों को एंड से भी जोड़ा गया है, इसके बावजूद उसको मानते हैं सिंगुलर और वर्ब देते हैं सिंगुलर। इस बात को आप ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। कुछ कंट्रीज लाइक फिलीपींस, लाइक बारबाडोस, लाइक बहामास, लाइक साइप्रस, लाइक बेलारूस, इन सब के नाम के लास्ट में आप ध्यान से देखिए एस ई एस लगा हुआ है। और हम लोगों ने बचपन से जो पढ़ा है, कन्फ्यूज़न इसमें इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि इनके नाम के लास्ट में एस ई एस लगा हुआ है, और चूंकि इनके नाम के लास्ट में एस ई एस लगा हुआ है तो हम लोग का एक बचपन से माइंडसेट बना हुआ है। ठीक है, क्या माइंडसेट बना हुआ है भाई, किसी नाउन के लास्ट में एस ई एस हमें दिखाई पड़े तो हम लोग सिंपली उसको मान लेते हैं प्लूरल और वर्ब दे देते हैं प्लूरल। ठीक है, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता। तो अब आज के बाद से यदि किसी भी देश, जगह, स्थान,
आइलैंड के नाम के लास्ट में एस एस लगा हो तो भी मानेंगे सिंगुलर, नहीं लगा हो तो भी मानेंगे सिंगुलर, जैसे इंडिया। ठीक है, जैसे आपने जुड़वा मूवी, पुराने वाली जो जुड़वा मूवी थी उसका एक सॉन्ग था, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है, तो इंडिया इज, यानी कि इंडिया क्या है, हमारा देश है, और नेम ऑफ कंट्री है, नेम ऑफ कंट्री, इसलिए यहाँ पे वर्ब का यूज़ किया गया सिंगुलर। ठीक है, अब नेम ऑफ बुक्स, जो किताबों के नाम हैं, किताबों का नाम कुछ भी हो, जैसे प्रेमचंद की गबन एंड गोदान हो, या हम लोग कोई दूसरा बुक ले लें, जैसे एक कॉमन सा बुक जिसको आप इंग्लिश में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स के लास्ट में देखिए एस लगा हुआ है, तो ये बुक का नाम है, अरेबियन नाइट्स क्या है, एक किताब का नाम है, किसी बुक का नाम हो, मैगजीन का नाम हो, ठीक है, उनके नाम के लास्ट में एस एस लगे या ना लगे, उनको मानेंगे हम लोग सिंगुलर, वर्ब देंगे सिंगुलर। क्यों ऐसा करते हैं, इसको हम लोग आते हैं इसके बाद। कोई मूवी हो, चाहे वो हॉलीवुड की हो या बॉलीवुड की हो, हिंदी भाषा की हो या किसी और भाषा की हो, किसी भी भाषा की हो सकती है, किसी भी फिल्म का नाम, मूवी का नाम, उसके नाम के लास्ट में एस एस लगा हो या नहीं लगा हो, जैसे बाहुबली एस एस नहीं लगा है, ठीक है, या और भी जैसे अभी लेटेस्ट एक मूवी आ रही है, कौन सी भाई, अंतिम, तो अंतिम हो, दंगल हो, ठीक है, ऐसी कोई भी मूवी हो उसके नाम के लास्ट में देखिए एस एस नहीं लगा हुआ है। लेकिन अपने इंडिया में भी कुछ ऐसी मूवीज़ बनी है जिनके नाम के लास्ट में एस एस लगा हुआ है, जैसे थ्री इडियट्स, टू एस्टेट्स, ठीक है, ऐसे कुछ मूवीज़ हैं। तो कोई भी मूवी हो, कहीं की भी मूवी हो, तो किसी मूवी का नाम या फिल्म का नाम उस उनके नाम के लास्ट में एस एस लगा हो या नहीं लगा हो, सभी परिस्थितियों में उनको मानेंगे हम लोग सिंगुलर, वर्ब देंगे सिंगुलर। ठीक है, फिर से समझ लें, किसी बुक का नाम हो, मैगजीन का नाम हो, मूवी का नाम हो, कंट्री का नाम हो, आइलैंड का नाम हो, उनके नाम के लास्ट में एस एस लगा हो या नहीं लगा हो, ये सब के सब होते क्या हैं, प्रॉपर नाउन। क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, इसीलिए इनको माना जाता है सिंगुलर, और इनके साथ वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं सिंगुलर। कैसा मानते हैं, सिंगुलर। वर्ब कैसा यूज़ करते हैं, सिंगुलर। क्यों यूज़ करते हैं, ड्यू टू प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन मैक्सिमम केसेस में हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है, प्रॉपर नाउन सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में प्लूरल होता है, जब एक ही ग्रुप में एक से ज़्यादा प्रॉपर नाउन प्रेजेंट हो। ठीक है, ओनली इन दैट केस हम लोग प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, अदरवाइज हम लोग प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते, प्रॉपर नाउन जनरली होता है सिंगुलर और वर्ब लेता है सिंगुलर। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब इन सभी रूल्स पे बेस्ड हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलते हैं अपने स्लाइड की ओर हम लोग। ये नन तक का हो गया था, ये नथिंग बट, ये नन को भी बना ही ले एक बार हम लोग फिर से। तो चलिए इनका हम लोग सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन सारे क्वेश्चंस को देखें, और देखते के साथ हम लोग ये तय करें कि इसको हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए नन बट यहाँ दिखाई दिया, ये नन बट, ये नन ऑफ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखें, ये नन ऑफ। अगले क्वेश्चन नंबर 8 में देखे जा रहे हम लोग, यहाँ पे मिला हमें नन ऑफ। तो नन ऑफ हो, नन हो या नन बट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटेंस के बिगनिंग में ही आपको दिखाई दे, ये सेंटेंस के मिडिल में भी आ सकते हैं, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान बस अपने जगह पे होना चाहिए कि नन बट हो या नन ऑफ हो, इनके तुरंत बाद आने वाला नाउन कैसा होता है और वर्ब कैसा होता है, जो हमने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया। ये देखिए नन ऑफ के बाद क्या आ रहा है, देम, देम कैसा होता है, प्लूरल वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल, तो यहाँ देखिए वर्ब कैसा लिखा हुआ, प्लूरल, ये पार्ट करेक्ट हो गया, ये पार्ट भी करेक्ट और ये पार्ट भी करेक्ट। ठीक है, अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द पर्सन इन सिविल ड्रेस वॉज अ पुलिस ऑफिसर। अब देखिए आप में से कुछ बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, सर इस वॉज को भी वर्ब बना दिया जाए। ठीक है, अब इसके लिए हमने आपको पहले से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा रखा है, आप इस वर्ब के साथ अटैच कीजिए हु या वॉट। हु वॉज अ पुलिस ऑफिसर, बताइए, द पर्सन इन सिविल ड्रेस, तो वो व्यक्ति जो सिविल ड्रेस में था वो पुलिस ऑफिसर था। तो ये अब पर्सन के लिए यूज किया गया, ये पर्सन कैसा है, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे आने वाला वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर। बात समझ में आ रही है। हमने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेक्चर नंबर 1 में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का जितने भी रूल्स बताए थे या जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाए थे, उन सबों का यूज़ आप सभी जगहों पर कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। और जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये पार्ट करेक्ट हो गया, दैट इज़ कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ देखें नन बट दिखाई दिया, नन बट के बाद ये क्या है, फूल्स। फूल्स मतलब मूर्ख लोगों की बात की जा रही है, एक से ज़्यादा मूर्ख लोग हैं। तो हमने आपको बताया था नन बट के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा, तो ये फूल कैसा है, प्लूरल, इसलिए यहाँ आने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। तो हैज़ की जगह क्या होना चाहिए, हैज़ की जगह यूज़ करना चाहिए हैव, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, नन ऑफ दीज वर्ड्स। फिर से ये देखिए नन ऑफ आ गया, ये देखिए नाउन, नाउन कैसा होना चाहिए, यदि काउंटेबल है तो प्लूरल, और देखिए ये दिया गया प्लूरल, प्लूरल है। अब वर्ब कैसा लेगा भाई, प्लूरल, तो इसके लिए वर्ब हम लोग चेक करें, माइग्रेट, तो माइग्रेट की जगह क्या हो जाएगा, ये चूंकि ये प्लूरल है इसलिए ये भी प्लूरल, तो माइग्रेट में यदि हम लोग एस एस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और ये सब हमारे आपके कॉमन मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स में हम लोग क्या करते हैं, इसमें ए सी एस लगा हुआ है, यहाँ भी ए सी एस लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा आपका जो माइंड है वो इस तरीके से काम करता रहता है, दोनों की ट्यूनिंग बना दे भाई, और ट्यूनिंग आप जो बनाते हैं वो हो जाता है गड़बड़। नेक्स्ट यहाँ पे देखें नन ऑफ, नन ऑफ के बाद ये देखिए सजेशंस, सजेशंस दे मेड वॉज। अब देखिए आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ये मेड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म होता है, उसके सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल होने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब आप में से कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, यहाँ वॉज रखें या वर्ब रखें समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर एक बार सजेशंस लिखा हुआ है, इधर एक बार दे लिखा हुआ है, तो हमें ये पता ही नहीं लग रहा है कि इस वॉज का यूज सजेशन के लिए किया गया या इस ही के लिए किया गया या इस दे के लिए किया गया, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। इन्हीं सारे कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के लेक्चर नंबर 1 को डिलीवर किया था, और काफ़ी विस्तार से उसमें हमने आपको सब्जेक्ट को पकड़ने के बारे में बताया था, ठीक है। इसलिए अभी भी हमारा रिक्वेस्ट और सजेशन दोनों ही है आप सबों से कि यदि आप में से कोई भी या किसी भी बच्चे को कहीं भी सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के सेक्शन में या वर्ब को पहचानने के सेक्शन में कि इस वर्ब का यूज़ किसके लिए किया गया, इसके लिए आपको सब्जेक्ट पकड़ना होगा, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में कुछ भी आपको थोड़ी सी भी समस्या आ जाती है तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 1 को ज़रूर देखें, और पूरे ही वीडियो सेशन को कंटिन्यूटी में देखें, एकदम सिक्वेंस में देखते हैं ये, ठीक है। चलिए तो हमने आपको बता रखा था कि इस वर्ब के साथ अटैच कर देना है हु या वॉट, तो हम यहाँ पर लगा दिए हु या वॉट। चलिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है, What was discussed at the meeting? किसका चर्चा किया गया भाई, तो चर्चा किसका किया जाएगा, किसी सजेशन का, न कि व्यक्ति का। तो सजेशन कैसा है भाई, तो सजेशन कैसा है, यहाँ पे देखिए सजेशन में लगा हुआ है ई एस, दैट इज़ कि सजेशन है प्लूरल, तो यहाँ आने वाला वो भी कैसा होगा, प्लूरल। तो यहाँ वॉज की जगह हम क्या कर दें, वॉज को बना देंगे वर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे चलते हम लोग फटाफट कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए नथिंग बट का कॉन्सेप्ट है, इनको भी थोड़ा हम लोग बनाते चलें। ये देखिए नथिंग बट हमें दिखाई दिया, नथिंग बट के बाद आने वाला सब्जेक्ट चाहे जैसा भी हो वर्ब लेगा हमेशा और हमेशा सिंगुलर, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि नथिंग बट के बाद आने वाला सब्जेक्ट यदि अनकाउंटेबल हो तो वो रहेगा सिंगुलर, वर्ब लेगा सिंगुलर। नथिंग बट के बाद आने वाला सब्जेक्ट यदि काउंटेबल हो तो वो रहेगा प्लूरल, बट द वर्ब विल बी सिंगुलर, ठीक है। तो आइए ये देखिए ये है नथिंग बट आर ओन वैनिटी, ये देखिए वैनिटी हो गया, वैनिटी क्या है भाई, प्राउड, घमंड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होता है सिंगुलर, वर्ब लेगा सिंगुलर। दैट डिसीव की जगह क्या हो जाएगा, डिसीव्स। यहाँ देखिए नथिंग बट, जैसे ही आपको नथिंग बट दिखाई दिया सबसे पहले जितने भी प्लूरल वर्ब हैं आप सबको कैंसिल कर दीजिए, अब दो ही बात है, या तो हैज़ होगा या तो इज़ होगा। अब ये देखिए यहाँ जो वर्ब लिखा गया है इसमें ईडी लगा हुआ है, तो इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जनरली एक्टिव में तो नहीं लगता है, पैसिव हो तो लग सकता है। चलिए हम लोग चेक कर ले, नथिंग बट बुक्स इज लाइक्ड बाय सीला, हैज़ लाइक्ड बाय सीला, तो हैज़ हैव का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब सेंटेंस एक्टिव में होता है, चूँकि ये बुक खुद कोई काम नहीं कर रहा है, काम कौन कर रही है, सीला कर रही है, ये सेंटेंस चला गया पैसिव में, तो यदि पैसिव हो तो पैसिव में इज एम आर, वॉज वर, इन सब के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो आंसर बन गया हमारा इज़,
हैज़ कैंसल हो गया। ठीक है, चलिए बोर्ड को क्लीन करें हम लोग, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में सी डिड नथिंग बट, फिर से देखिए ये मिला नथिंग बट। अब नथिंग बट के बाद ये आ गया क्राई। क्राई मतलब रोना गाना चिल्लाना, ठीक है, एट द साइट। तो ठीक, नथिंग सी डिड नथिंग बट। अब ये देखिए, आप में से कुछ बच्चे चाहें तो इस क्राई का क्राइज बना सकते हैं और आप बनाते ही हैं। अब यदि आप क्राई का क्राइज बनाएंगे, क्राइड बनाएंगे, कुछ भी इसमें इस क्राई वाले सेक्शन में कुछ भी चेंज करने का प्रयास करेंगे तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर लगा हुआ है डिड। और डू डज या डिड, इन तीनों में से कोई भी फॉर्म यूज किया जाए, डू डज डिड, इन तीनों में से कोई भी वर्ब यूज किया जाए उसके साथ, अगर उसके बाद कोई मेन वर्ब आएगा तो डू डज डिड के बाद आने वाला जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा और हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है। और ये क्राई ऑलरेडी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसमें कुछ भी छेड़छाड़ कीजिएगा तो क्वेश्चन में कोई करेक्शन तो नहीं होगा, एरर जरूर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कहीं कोई एरर नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यहाँ फिर से देखिए, नथिंग बट फ्रेशेस्ट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल होता है प्लूरल, तो ये पार्ट तो करेक्ट हो गया, बट द वर्ब विल बी सिंगुलर, तो आर की जगह हमें क्या करना होगा, आर को कन्वर्ट करना होगा इज में। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। आई फील लाइक अ रियल ड्रज। अब ये देखिए, रियल ड्रज, यहाँ तक से हमें कोई मतलब नहीं। ये देखिए नथिंग बट मिला, नथिंग बट के बाद ये देखिए क्लीन, तो क्लीन की जगह क्या हो जाएगा, क्लीन्स एंड वॉशेस, क्लीन्स एंड वॉशेस। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं यहाँ से हम लोग, कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब ये देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसको हम लोग थोड़ा ठीक से समझने का प्रयास करें। चलिए, तो ये देखिए, ये जो आपको थ्री मस्कीटर्स दिख रहा है, देखिए थ्री मस्कीटर्स के लास्ट में क्या लगा हुआ है, एसईएस लगा हुआ है, लेकिन थ्री मस्कीटर्स है क्या, ये है नेम ऑफ बुक। तो हमने आपको पहले से बता रखा है नेम ऑफ कंट्रीज, आइलैंड, स्टेट्स, या नेम ऑफ प्लेस हो, सीधी बात समझिए, नेम ऑफ मूवी हो, सीरियल हो, ड्रामा हो, नेम ऑफ बुक्स एंड मैगजीन हो, ठीक है, इनके नाम के लास्ट में एसीएस लगे या नहीं लगे, सभी परिस्थितियों में इनको मानते हैं हम लोग सिंगुलर, वर्ब देते हैं सिंगुलर। ठीक है, तो अब इसके साथ सबसे पहले जितने भी प्लूरल वर्ब हैं ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ जो पार्ट गिवन था हैव, तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट है, या तो अंडरलाइन करके गिवन होता है या बोल्ड लेटर में गिवन होता है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए ये बोल्ड लेटर में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो बोल्ड लेटर में गिवन वर्ब है, ये वर्ब कैसा है, रॉन्ग है, इसलिए हमारा नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे वर्ब चाहिए था हमें हैज़, और यहाँ हैज़ का ऑप्शन गिवन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा मीटलेस डेज। फिर से देखिए, मीटलेस डेज के लास्ट में लगा हुआ है एसईएस, दैट इज ये आपको देखने में प्लूरल लग रहा है, किंतु ये है नेम ऑफ बुक, इसलिए ये वर्ब लेगा सिंगुलर, तो हैव की जगह हम लोग क्या करेंगे, हैव को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे हैज में। और नेक्स्ट, ये बचपन से जाना पहचाना आपका नाम है, नेम ऑफ बुक्स है अरेबियन नाइट, तो हैव की जगह हैज। ठीक है, और ये भी एक बुक है जिसकी स्टोरी आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखी होगी पहले से, आप में से मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा होगा, गुलिवर्स ट्रेवल्स। अब देखिए यहाँ भी एसीएस लगा हुआ है, लेकिन ये भी क्या है, नेम ऑफ बुक है, और नेम ऑफ बुक है इसलिए हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब को बना देंगे सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें हम आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। अब आइए इसके आगे की और हम लोग चलते हैं, और अब हम लोग यहाँ पे देखने समझने का प्रयास करें हमारा अगला रूल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग रूल नंबर 11 को ही देखते हैं, देयर प्लस नाउन और वर्ब। तो चलते हैं इसके लिए हम लोग बोर्ड की तरफ, और बोर्ड पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए ये जो देयर का रूल है, इसको आप बचपन से भली भांति जानते आ रहे हैं, आपने पढ़ा था बचपन से ही, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। अब इसमें देखिए, हम में से बहुत सारे बच्चों को जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होती है, उनको लगता है कि ये देयर क्या है, तो ये देयर उनको लगता है कि यही है सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, और ये क्या है वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट, आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है।
अब आप याद कीजिए, हमने आपको पहले से क्या पढ़ा रखा है। यदि आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम जाए तो आप इसके साथ वर्ब को अटैच कीजिए, हु या वॉट। आप यहाँ पे लगाइए हु वॉज देयर, कौन था वहाँ पर। तो आंसर क्या मिला? आंसर मिला अ किंग। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है कि इस किंग को, जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट समझ रहे थे, दरअसल ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये तो इसका रियल सब्जेक्ट है, ये तो इसका रियल सब्जेक्ट है, और ये ना तो सब्जेक्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट, ना तो सब्जेक्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, इस देयर की कहानी क्या है, इस देयर का रूल क्या है, इसको हम लोग ठीक से समझते चले। देयर के बाद यहाँ अगर कोई वर्ब आए, इस वर्ब के बाद यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाए, तो ये नाउन या प्रोनाउन जैसा होगा वैसा ही ये वर्ब होगा। दैट इज कि ये नाउन, ये जो नाउन या प्रोनाउन है, ये यदि सिंगुलर होगा, कैसा होगा? सिंगुलर होगा, तो ये वर्ब भी लिखा जाएगा सिंगुलर। और ये जो नाउन या प्रोनाउन है, ये यदि प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी लिखा जाएगा प्लूरल। लेकिन ये गाइड किधर से होगा? इधर से। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हमें नहीं लगता कि इस रूल पे बेस्ड कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोगों को लेने की ज़रूरत है। अब इसके आगे हम लोग यहाँ से नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट रूल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग जरा पढ़ें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी आते ही रहेंगे। तो आइए फटाफट इनको भी हम लोग यहाँ समझने का जरा प्रयास करें। ये क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप देखिए ध्यान से और समझिए भी ध्यान से। आपने गाना सुना होगा 1 2 3 वाला, माधुरी का जो था, उसका अब तो रीमेक भी आ चुका है। अब इनका कॉन्सेप्ट है और उसी गाने से ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ भी नाउन आता है और यहाँ भी नाउन आता है, दैट इज प्रेपोजिशन के पहले भी नाउन आता है और प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आता है। ऐसे सिचुएशन में इसके बाद यहाँ जो वर्ब आएगा, इस वर्ब का क्या होगा कालिया, बताओ। तो इसको हम लोग जरा देखना यहाँ पे और समझना शुरू करें। कंडीशन क्या है इनका, अब थोड़ा कंडीशन समझ ले, ये पहला रूल है, पहला कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि यहाँ जो नाउन आता है हम इसको N1 मान लें और वही नाउन यहाँ पे फिर से रिपीट कर जाए, दैट इज़ यहाँ भी N1 आ जाए, दैट इज़ यदि इसको आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करें तो हम लोग कुछ ऐसा कह सकते हैं कि यदि किसी प्रेपोजिशन के पहले और बाद में दोनों जगहों पे आने वाला नाउन एक ही हो, समान हो, अलग अलग नहीं हो, एक ही नाउन किसी भी प्रेपोजिशन के पहले भी आए और बाद में भी आए, दोनों जगहों पे आने वाला नाउन यदि सेम हो, एक ही हो, तो ये दोनों ही नाउन हमेशा और हमेशा रहेगा सिंगुलर। कैसा रहेगा? दोनों ही नाउन हमेशा और हमेशा यहाँ पे कैसा लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा सिंगुलर। और इस कंडीशन में यहाँ जो वर्ब आता है, ये वर्ब भी लिखा जाता है सिंगुलर। कैसा लिखा जाता है? सिंगुलर। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट था इनका। अब इनका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी भी प्रेपोजिशन के पहले और बाद में इन दोनों जगहों पे नाउन आए, एन स्टैंड्स फॉर नाउन हियर, तो यदि किसी प्रेपोजिशन के पहले और बाद में दोनों जगहों पे नाउन आए और दोनों ही नाउन अलग अलग हो, तो अब ये दोनों ही नाउन कुछ भी रहने के लिए आज़ाद है और इस कंडीशन में यहाँ जो वर्ब यूज किया जाएगा, ये वर्ब एग्री करेगा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। इस बात को फिर से समझिए, यदि किसी प्रेपोजिशन के पहले और बाद में दोनों जगहों पे नाउन आए और दोनों ही नाउन या प्रोनाउन अलग अलग हो, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ जो वर्ब होगा, ये वर्ब एग्री करता है प्रेपोजिशन के पहले, प्रेपोजिशन के लेफ्ट साइड में आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। दैट इज कि ये जो पहला नाउन है, ये यदि प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी प्लूरल लिखा जाएगा, और ये जो पहला नाउन है, ये यदि सिंगुलर हो, कैसा हो? ये यदि सिंगुलर हो, तो इसके बाद यहाँ जो वर्ब यूज किया जाएगा, ये वर्ब भी लिखा जाएगा सिंगुलर। इस बात को आप ठीक से समझ लीजिए। ठीक है,
आइए इनका एक एक एग्जाम्पल ले लें। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या गिवन है। ये सबसे पहले हमें मिलता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पहले देखिए ये है नाउन, प्रेपोजिशन के बाद ये भी देखिए है नाउन, और दोनों ही नाउन क्या है, सेम है। तो अब अगला हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पे आने वाला वर्ब। अब देखिए इन तीनों पे ही हम लोगों को काम करना होता है और हम लोग यहाँ से सीखना शुरू करें। ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के ठीक पहले ये जो नाउन आ रहा है वही नाउन प्रेपोजिशन के बाद भी आ रहा है, और दोनों ही नाउन यहाँ कैसा लिखा गया है, प्लूरल, जबकि दोनों ही नाउन को हमेशा और हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। दैट इज कि यदि किसी प्रेपोजिशन के पहले और बाद में दोनों जगहों पे कोई नाउन आए, दोनों नाउन सेम हो, एक ही हो, तो दोनों ही नाउन को सभी परिस्थितियों में रहना होता है हमेशा सिंगुलर, और इस कंडीशन में वर्ब भी रहता है हमेशा और हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो हमें हैव की जगह क्या लिखना होगा, हैज लिखना होगा, ठीक है। अब बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए हम लोग चलते हैं फिर से अपने स्लाइड में। तो आइए हम लोग चलते हैं स्लाइड में। और स्लाइड में आइए, इन रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग लगाने का यहां पे प्रयास करते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस का फटाफट हम लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और आइए अब हम लोग यहाँ पे इनको समझना शुरू करते हैं। तो चलते हैं और अब इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखें कहाँ पे हम लोग कैसे बना पाते हैं। सबसे पहले ये ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पहले टाइप क्या है, नाउन है। ये क्वालिटी क्या है, ये भी नाउन है। तो प्रेपोजिशन के पहले भी नाउन है, बाद में भी नाउन है, दोनों ही नाउन क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, इस पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री करेगा। अब देखिए यू एक्वायर, द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड। अब ये डिपेंड की जगह क्या हो जाएगा, डिपेंड्स। अब आप में से फिर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि सर एक्वायर्स होना चाहिए था और ये डिपेंड होगा या डिपेंड्स होगा। तो हमने आपको पहले से बता रखा है, जिस किसी भी वर्ब में आपको डाउट हो उस वर्ब के साथ आप हु या व्हाट को अटैच कर दें। हु एक्वायर, यू एक्वायर, तो इस एक्वायर का वो सब्जेक्ट क्या है, ये है। दैट इज ये जो एक्वायर वर्ब है इसका यूज किया गया इस यू के लिए, यू होता है प्लूरल, इसलिए यहाँ पे एक्वायर ही होगा, एक्वायर में हम एस एस नहीं लगा सकते, ठीक है। अब ये जो वर्ब था, व्हाट डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी, द टाइप ऑफ क्वालिटीज। अब टाइप ऑफ क्वालिटीज में प्रेपोजिशन ऑफ के पहले क्या लिखा था, टाइप, और टाइप कैसे लिखा था, सिंगुलर, इसलिए ये जो वर्ब है इसको बनाना होगा सिंगुलर। यदि वहाँ टाइप में एस एस लगा होता तो हम यहाँ डिपेंड ही रखते। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग पहले बोर्ड को क्लीन कर लें, चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। यहाँ देखिए फिर से ये ऑफ लगा हुआ है, और ये देखिए वेज, ये क्या है, नाउन। ये कम्युनिकेशन, ये भी क्या है, नाउन। दोनों नाउन कैसा हो गया, डिफरेंट। पहला नाउन कैसा है, प्लूरल। अब प्लूरल है इसलिए इसके साथ हम लोग वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। तो हैज की जगह क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोर्ड को क्लीन करते हैं और चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ हम लोग। अगले क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखें। यहाँ पे देखिए ये बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है। अब आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो शायद बिटवीन को नहीं जानते हो, नहीं जानते हो तो ये मान लीजिए कि सर कह रहे हैं, इसलिए मान लेना है कि ये क्या है, प्रेपोजिशन है। तो बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है, जिनको दिक्कत है उनके लिए फिलहाल। लेकिन हमें नहीं लगता कि आप में से शायद कोई ऐसा होगा, शायद किसी की इंग्लिश इतनी वीक होगी, ठीक है। तो ये बिटवीन है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पहले ये देखिए, ये हॉस्टिलिटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। नॉन एब्स्ट्रैक्ट यानी अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल यानी सिंगुलर, वर्ब लेगा सिंगुलर। और यहाँ देखिए द टू ग्रुप्स, अब ये ग्रुप क्या है, नाउन है। ये कैसा है, प्लूरल। तो प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है उससे वर्ब को कोई मतलब नहीं होता है, वर्ब एग्री करता है प्रेपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग।
तो चूंकि ये जो हॉस्टिलिटी है ये है सिंगुलर, इसलिए वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैज का यूज करना होगा। और सिमिलरली इसी तरीके से ये देखें, ये टू क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पहले ये क्या है? नाउन। स्कूल्स ये भी क्या है? नाउन। ये भी नाउन और ये भी नाउन। प्रेपोजिशन के पहले भी नाउन, प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन। तो अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग एग्री करेगा? प्रेपोजिशन के पहले, दैट इज डिसीजन के अकॉर्डिंग। तो डिसीजन कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। तो यहाँ वर्ब की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इस वर्ब की जगह यूज़ करेंगे वॉज का। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और कुछ देखने का प्रयास करें हम लोग। अब ये फ्रैक्शन वाला पार्ट बचा रह गया, अब आइए इसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं। तो आइए अब इनके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करें कि ये फ्रैक्शन ऑफ का रूल क्या है। सबसे पहले इनको समझे हम लोग, मैथ में फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा था 1/4, 3/4, ठीक है, 2/5, 5/7, ऐसा करके हम लोगों ने फ्रैक्शन मैथ में पढ़ा है, ठीक है, आप बचपन से ऐसा पढ़ते आए हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। अब फ्रैक्शन के भी कई टाइप होते हैं, चूँकि अब हम मैथ पढ़ाते नहीं हैं तो इतनी ज़्यादा मैथ की चर्चा हम करेंगे भी नहीं, और इतना ज़्यादा मैथ का कॉन्सेप्ट हमारे ग्रामर में यूज भी नहीं होता। अब फ्रैक्शन को दिखाने के कई तरीके हैं, एक तो ऐसा, दूसरा परसेंटेज के हिसाब से। आप याद कीजिए, पढ़ते थे 10%, तो आपको मैथ के सर या मैम जो भी थे, मैथ में आपको पढ़ा जाता था 10% का मतलब ऐसा होता है, ये जीरो कैंसिल हो जाता था। आपको पढ़ना होता था मान लीजिए 37%, तो आप इसी टाइप से लिखते थे 37/100, ठीक है। तो ज़रा इन सबों का फॉर्मेट देखें, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, ये पी बाई क्यू, ये पी बाई क्यू, ये पी बाई क्यू, और ये भी क्या है? पी बाई क्यू। तो हम लोग ऐसे नंबर को कहते थे फ्रैक्शन, ठीक है, बात समझ में आई। तो चाहे आप परसेंटेज वर्ड का यूज़ करके लिखें, या सिंपली इस तरीके से लिखें डिजिट में, या इसी को इंग्लिश में जब आप आते हैं तो आप इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का जो फॉर्मेट है वो चाहे जैसा भी हो, लेकिन रूल एक ही है, ठीक है। जैसे अब हम आपको लिख के दिखाते हैं, ये 3/4 है, ठीक है। तो हम लोग इसको 3/4, 3/4, 3/4 हिंदी मीडियम वाले ऐसे पढ़ते हैं, 3/4 इस तरीके से। आप इसको कैसे लिख सकते हैं वर्ड में, ज़रा ध्यान दीजिए। आप इसको लिख सकते हैं 3/4, आप इसको लिख सकते हैं 3/4, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4, 3/4। आप ठीक से इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो फ्रैक्शन का पार्ट होता है, क्या होता है? फ्रैक्शन का पार्ट होता है। इसके बाद यदि इस फॉर्मेट का आप यूज़ करते हैं या इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, दोनों ही फॉर्मेट में आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑफ लगा हुआ मिलेगा। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में, इस ऑफ के बाद यहाँ जो नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब होता है। ये जैसा रहेगा वैसा ही वर्ब भी रहेगा। तो ये यदि प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी होगा प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग ये गाइड होता है। और ये यदि सिंगुलर होगा तो यहाँ वर्ब भी यूज किया जाएगा, सिंगुलर, इस फॉर सिंगुलर हम लिख रहे हैं, ठीक है। इस बात को समझिए आप। अब चलते हैं, इनका कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 3/4 ऑफ दिस पिलर आर रॉटेन। अब आपको क्या करना है ये जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये 3/4 यानी फ्रैक्शन आपको दिखाई दिया, आप 3/4 को ऐसे लिखिए चाहे जैसे लिखिए, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख लीजिए, इससे हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया? ऑफ, यानी ये क्या मिल गया? प्रीपोजिशन। अब इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे क्या मिला, ये पिलर, ये क्या है? नाउन, ठीक है। अब ये कैसा है? सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे आने वाला वर्ब कैसा होगा? ये होगा सिंगुलर, बात समझ में आई। लेकिन इसी सेम क्वेश्चन में हम 3/4 लिखें, अब इस फोर्थ में हम एस लगाएं या नहीं लगाएं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कहें दिस पिलर्स आर, या चलिए यहाँ पे इज लेते हैं,
दिस पिलर्स इज रॉटन। ठीक है, तो आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फ्रैक्शन वाले केस में हमेशा सिंगुलर वर्ब या हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना भी सीख लेते हैं। तो ऐसे मिसकॉन्सेप्शन से हम लोगों को खुद को बचाना है। अब आप सिंपली देखिए, यहाँ पे थ्री फोर्थ का फिर से यूज़ कर दिया गया, इसके बाद ये प्रेपोजिशन आ गया। प्रेपोजिशन के बाद ये देखिए यहाँ जो नाउन यूज किया गया, ये नाउन कैसा है, तो ये नाउन है प्लूरल, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ये जो वर्ब होगा ये कैसा होगा, ये भी होगा प्लूरल। बात समझ में आ रही है? तो इस नाउन को हम लोग कैसा रखेंगे, इसको रखेंगे हम लोग प्लूरल, इसलिए इस इज को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ इज की जगह लिखेंगे आर। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब चलते हैं हम लोग स्लाइड की तरफ, और स्लाइड में इस रूल पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग समझने का बनाने का प्रयास करें। तो आइए फटाफट इनको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखें इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले ये देखें, ये थ्री फोर्थ दिखाई दिया ऑफ द मेन, मेन क्या है प्लूरल, और ये देखिए वो मैंने, ये भी क्या है प्लूरल। तो अब यहाँ जो वर्ब आएगा ये कैसा होगा प्लूरल, तो हैज़ की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, हम लोगों को लिखना चाहिए हैव। नेक्स्ट बोर्ड को क्लीन करें हम, चलें अगले क्वेश्चन में। टू थर्ड्स ऑफ सिस्टर्स वेल्थ, ये देखिए बहन की संपत्ति, ये जो वेल्थ है, वेल्थ कैसा है भाई, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल यानी सिंगुलर, सिंगुलर है तो वर्ब लेगा सिंगुलर। तो वर्ब की जगह क्या यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। यहाँ देखें नाइन टेंथ्स ऑफ द पिलर, ये पिलर कैसा है सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लेगा सिंगुलर, तो हैव की जगह क्या यूज कर लें, हैज का यूज कर लें। बातें समझ में आ रही है? चलिए स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर मूव करें हम लोग, ताकि आपको देखने में कहीं कोई असुविधा नहीं हो और हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बना सकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में। ये देखिए 260 किलोमीटर, इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि इनका यूज़, ये देखिए फ्रॉम पटना टू रांची आर, तो अब है क्या कि इनका यूज़ यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसको हम लोग मानते हैं सिंगुलर वर्ब, देते हैं सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे आर की जगह हम लोग यूज़ करेंगे इस। अभी फ़िलहाल आप इसको कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ना है आपको नाउन में कि ये सिंगुलर क्यों होता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट ही सिंगुलर है इसलिए वर्ब लेता है सिंगुलर, तो ये सिंगुलर होता क्यों है ये पढ़ना है हम लोगों को नाउन में। तो नाउन में आएंगे तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोर्ड को क्लीन करते हुए। यहाँ देखें टू थर्ड्स ऑफ द बुक, अब ये बुक देखिए कैसा है सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लेगा सिंगुलर, इसलिए हमें वर्ब की जगह क्या यूज़ करना होगा, वर्ब की जगह हमें यूज़ करना होगा वॉज का। क्लियर है, वर्ब की जगह वॉज। ठीक है, तो आज के अपने इस क्लास को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इसके आगे की चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में, दैट इज़ नेक्स्ट वीडियो सेशन में इसके आगे की चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।